वाला है? ब्रोकर। अरे अरे वो वाला नहीं यार, तुम वो महान ब्रोकर हो जो दो प्यार करने वालों को मिला रहा है। कहाँ है मेरे दिल की धड़कन इंदु? ओह नो, सरदर्द हो रहा है? मैं तो भूल ही गई, उसने मुझे दूसरे गार्डन बुलाया था। कहीं की तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले शेर खान, इस राजद्रोही को मुझे सौंप दे तो मैं तुझे और तेरी सेना को जीवन दान दूंगा। बहुत अच्छे। काल भैरव उस कबीले से है जिसका हर आदमी अपनी जान इस राज पर न्योछावर कर देता है। कोई भी 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। शेर खान से लड़ते हुए मरना इसके भाग्य में लिखा है। ये जानते हुए भी हमने ये विवाह करवा दिया तो जीवन भर हम अपनी बेटी को विधवा ही देखते रहेंगे। राजगुरु ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। कारण है महाराज, ये इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले, वो क्या तलवार उठाएंगी जिसमें आत्मरक्षा करने की ताकत ही ना हो, वो इस राज्य की रक्षा कैसे करेगा? महाराज, हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है, हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये जानने के लिए नहीं कि राजकुमारी के लिए अच्छा पति कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि अधिक साहसी कौन है। ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराज, ये अशुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये आज की नहीं, 400 वर्षों से ये भूख अधूरी है। 400 वर्ष पूर्व तू इस उदयगढ़ का सेनापति था। तुम्हारी तरह एक और भी है जिसने उस राजकुमारी को पाने के लिए पुनर्जन्म लिया है। जब तक वो जीवित है तू कभी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर तू अपना प्रेम पाना चाहता है तो तुझे उस दूसरे प्रेमी को मारना होगा। अरे अरे नहीं, काश तुम्हारे पिता के पास भी तुम्हारे जैसा दिल होता तो हमारी दोस्ती नहीं टूटती। खुद को कभी अनाथ मत समझना। इसे कैसे भी देखे वो महल वो जायदाद सिर्फ आप ही की है। उसके पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसका अधिकार नहीं। चाहे जायदाद मेरी हो पर मैं वहां जा भी नहीं सकता। 15 सालों से मैं कोर्ट के सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूं। क्योंकि अब तक आप मुझसे नहीं मिले थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करता हूं। 15 दिनों के अंदर आप महल में होंगे। नो डाउट, ये लड़कियां उसे तंगड़ी कबाब समझकर चूस रही हैं। ये बात तो अंधे को भी समझ में आएगी लेकिन इसे नहीं आ रही। ए चश्मिश, तुझे समझ में आ रहा है कुछ? मुझे साफ नजर आ रहा है। तो तू उसे समझा था क्यों नहीं? ऐसे गधों से ही तो धंधा चलता है। बुखड़ की तरह टूट पड़ी, लगता है श्रावण के पूरे महीने का उपवास आज ही तोड़ेंगी। कुप्ची में आना एक मिनट। क्या है? सुन यार, मुझे तो डाउट है, कोई इंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ये उसका नाम लेके चिकन तंदूरी चबा रही है। बिल तो तेरा ही फटेगा ना, फेस जितना भोला उतना ही आग का गोला। ठीक, क्या देखूं? मिल गई इंदु। मतलब आपने जानबूझकर गलत एड्रेस दिया? कितनी बड़ी झूठी है तू। झूठी कहा? तो क्या करती? तुम्हारा कैरेक्टर जाने बिना ही तुम्हें एड्रेस दे देती क्या? अगर उसका गला काटने की धमकी देते तो, ताकि वो तुमसे प्यार करे? अगर तुम उसका रेप करते तो? रेप? अगर उसका मर्डर कर देते मर्डर? तो? और अगर उसको जला देते तो? तुमने तो कहा ना कि उसका बाप बहुत घटिया आदमी है, कहीं उसने तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दिए तो? मैं उसे तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगी। रॉक गार्डन रेस्टोरेंट में मिलवाती हूँ उससे। रियली? लेकिन बहुत बड़ी ट्रीट लूंगी। सुपर्ब। हेलो, वो लड़की मेरी बीवी है। आज लाइन मारोगे, कल लव लेटर दोगे, परसों भगा ले जाओगे और गोवा ले जाकर पैर भारी करके छोड़ दोगे, और यहाँ बैठ के मैं क्या भजन करूंगा? चल निकल यहाँ से। अंकल भड़कते क्यों? रुको नहीं, लुंगी संभालने का होश नहीं है और तुझे लड़की चाहिए। क्या पता अंकल, कहीं छुपा के रखी होगी, आपकी फर्स्ट वाइफ की बेटी होगी। ए, क्या बकवास कर रहा है? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। उसे क्या रे, लड़के पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है? मेरा बाप मेरे को घर से निकाल देगा, ये तो ऐसे ही टाइम पास। क्या टाइम पास? ये चोटी क्यों बांधी? स्टाइल है बाबू, स्टाइल है। अपना थोड़ा जरा उधर कर और थोड़ा उधर, काट के फेंक दे, सूट नहीं करती। देख बेटा, डांडरफ हटा दिया। काफी संस्कारी दिखता है। डांस का मतलब सिर्फ बॉडी को हिलाना नहीं होता है, ऐसे स्टेप्स लो कि लोगों की सीटियों से छत उड़ जाए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिलहाल तो गाड़ी उड़ाई है, छत भी उड़ा लूंगा। भैरव,
आज इन काले बादलों को गुरूर है कि इन्होंने तेरी जिंदगी छीन ली है। वो जानते नहीं कि तू तो चलता हुआ सूरज है, जिसे भले ही मजबूरन डूबना पड़ा, लेकिन एक न एक दिन अपनी उस बेपनाह मोहब्बत को हासिल करने के लिए तू इन काले अंधेरे बादलों को चीरता हुआ जरूर आएगा। तुझे आना ही होगा। शाबाश शाबाश भैरव, पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफ ज़दा कर देने वाला ये बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।